आए हाय, आ गए मुनावर को थंबनेल पे देख के वीडियो के अंदर। अरे आओगे भी क्यों नहीं यार, उसका थग लाइफ और उसकी वीडियोस इतनी ज्यादा आई है ना कि मैं अभी वीडियो बनाने पे मजबूर हो गया। मजबूर नहीं हुआ क्योंकि व्यूज वहीं से आ रहे हैं, तुम रिस्पॉन्स उसी वीडियो पे दे रहे हो भाई, और व्यूज कब होगा हर यूट्यूबर है आजकल। तो देखो भाई, लॉकअप में जाके मुनावर रोस्ट तो सबको कर रहा है, हर बंदा इससे रोस्ट हो रहा है, हर बंदे पे पॉइंट मार रहा है, पर एक लड़की ऐसी है जिसके साथ इसका 36 का आंकड़ा चल रहा है भाई, जो कि बचपन में पापा के स्कूटर से सिर के बल गिर के हुई थी घायल। हाँ सही समझे, वो है पायल। तो चलो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो के अंदर चलते हैं। डॉक्टर फ्लेम इन द फ्रेम गाइस, लेट्स गो। आप तो केबीच नहीं चला रही है। मैं दे रहा था आपको, मुझे लगा भूल गए। नहीं नहीं, पायल को कौन भूल सकता है, ऑडियंस। भाई यार ये बंदा इनसेन है यार, यार इतने इंस्टेंटली पॉइंट्स मारता कहाँ से भाई, ये ऐसा दिमाग सिर्फ मुनावर के पास है भाई। और देखो ये अगला रोस्ट करता है, मतलब इस ये मुनावर का तरीका भाई, रोस्ट करता है, मुंह पे रोस्ट करेगा और ऐसा पॉइंट मारेगा कि अगली को भी हंसी आ जाए जिसका रोस्ट हो रहा है। बात तो सही है। अब देखो समझदारी इसी में है कि अगर वो आपको रोस्ट कर रहा है, आपके ऊपर उसने कोई पॉइंट मारा, तो उस टाइम हंस दो। अगर आप उसका जवाब दोगे तो उस जवाब पे भी अगला पॉइंट मार देगा, क्योंकि इस बीफ में नहीं जीत सकते भाई तुम मुनावर से। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ऐसा तुम नहीं गाड़ी के साथ मस्ती कर रहे भाई, तुम होते तो तुमको ही देखने मिलता था। बढ़िया टास्क हुआ आज, धमाल किचन मिला है हमारे को, खाने का पीने का और लड़ने का। यार इस बंदे के अंदर चूल है भाई, इसको लॉकअप में और कोई नहीं मिल रहा, ये गया गार्ड के पास, उसके पास जाके मस्ती करने लग गया। और मैं बता रहा हूँ लॉकअप वालों ने मास्क इसीलिए दिया गार्ड्स को क्योंकि मुनावर को बुला रहे हैं, ये साला नहीं टिकेगा भाई। गार्ड इतनी मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल कर रहा होगा यार। भाई ये बंदा नहीं सुधर सकता यार, वहाँ उन लोगों की पूरी लड़ाई चल रही है, मतलब किस चीज़ पे बहस हो रही है मुझे नहीं पता क्योंकि मैं शो नहीं देखता, पर ये गया दूर था, मतलब वहाँ उस जगह से दूर है और सामने आके इसको मजाक करना ही है भाई, सिचुएशन सीरियस है। मुनावर भाई फनी है भाई। यार ये बंदी घर से याद करके लाती है यार, इतना कुछ लिख के मतलब ना एक साथ बोल लेती है, इरिटेट करती है यार। वो इतनी शिद्दत से सारी चीज एक्सप्लेन कर रही थी कि इससे पहले क्या हुआ उसके और मुनावर के बीच में, मतलब क्या पहले सुना मुनावर ने ध्यान से सुना, और बाद में जो एक्सप्लेनेशन है इतना लंबा नहीं सुनना मेरे को भाई, गलत कोई चीज की वजह से मैंने निशा का एंथम सुन लिया जो उसने टीम ब्लू के लिए बनाया, तो उसके कान से खून भी निकल रहा था, तो वो तो डॉक्टर आ चुके थे। लेकिन निशा के बारे में बोलना चाहूंगा, वेरी क्यूट, ड्राइंग बहुत अच्छा करती है, बट टास्क के लिए स्ट्रेटजी बनाना नहीं आता, और उसको उनको ये कॉइन वाला टास्क उतना ही समझ में आया था जितना स्वामी जी को पहले वीक में गेम। यार स्वामी जी को क्यों भाई, बात निशा की हो रही थी, पॉइंट स्वामी जी पे मार दिए इसका भाई, इसका दिमाग अलग लेवल पे चलता है यार। देखो स्वामी जी भाई सबको पता है इस शो के लायक नहीं थे, इसीलिए अभी तक बाहर हो चुके हैं, और इस बंदे ने भाई कसर नहीं छोड़ी, कह रहा शो में से निकलेगा तो मेरा पॉइंट खा के जाएगा। बंदे ने स्वामी पे भी पॉइंट मारा, बात निशा की हो रही थी, पॉइंट स्वामी पे मारा, स्वामी की शक्ल इतनी सी हो गई यार। तो देखो यार अगर तुम लोग को आ रहा है वीडियो में मजा तो वीडियो को कर दो लाइक, जो मुनावर के कट्टर फैंस है भाई कमेंट्स में जाओ और मेरे को वीडियोस के लिंक भेज दो जो तुम चाहते हो कि मैं उन पर रिएक्ट करूं। बाकी जो लोग हैं मुनावर के कट्टर फैन भाई उनको दे रहा हूं चैलेंज कि अपने भाई को भी सपोर्ट करो, मुनावर का 90% मुझे दे दो यार भाई, सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। एक और चीज बोलना चाहूंगी मुनावर के खुद के बारे में, बोल बोल। जब वो किचन में उस दिन कुछ बना रहे थे टमाटर की चटनी, मुझे बहुत गंदा लगा कि उन्होंने अपनी उंगलियां चाटी, फिर उसी उंगली से वो चालू हो गए मोटर पेंसिल लेके। राइट से मैं कर रहा था, लेफ्ट वाली चाटी और उसके बाद उन्हीं डाली, सारा वाज वाचिंग मी। एक बेसिक मैनर्स होनी चाहिए, मतलब आपको मत सिखा चल कि कोई भी किसी का जूठा नहीं खाना पसंद कर सकता है। बराबर आप क्या कहेंगे इस पे, एक बार प्राइवेट बेडरूम और किचन इनको प्रोवाइड किया जाए।
तो देखो भाई ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर मुनावर ने उंगलियां चाट के चटनी बनाई तो यार देखो यूजुअली सी बात है कि यहाँ पे वो सही कह रही है कि किसी को भी घिन आ सकती है, किसी को भी अनहाइजीनिक वो चीज लग सकती है। बट अगर मुनावर ने ऐसा नहीं किया और ये पॉइंट उसने तब मारा तो फिर तो भाई ओपी था। अदरवाइज इस बार मैं साइड उस लड़की की लूंगा जो कह गया कि भाई अनहाइजीनिक लगता है। पर यहाँ पर भी एक सिचुएशन है यार, अगर तूने उसको पहले ही देख लिया था कि उसने उंगलियां चाट के चटनी में डाली तो वहीं सबको बताना और खुद भी मत खा, पहले चटनी के नजारे भी ले लिए और बाद में यार यहाँ पे ये सब कर रहे हो, गलत बात। मुनावर भाई फुल सपोर्ट, नो हेट, लाइक कर दो मुनावर के फैंस वीडियो को, दोबारा कह रहा हूँ। तो चलो भाई मुनावर की थग लाइफ रील्स तो हमने देख ली, बट यार देखो इसके अलावा भी यूट्यूब पे एक सीरियस चीज चल रही है जो कि आप लोगों को पता ही होगा, पारस ऑफिशियल गेमर, उसको घर के अंदर घुस के भाई किसी ने मारा है। अब किसने मारा है अभी तक ये तो क्लियर नहीं हुआ है, पर बहुत ही बुरी तरह मारा है, भाई का हाथ तोड़ दिया, फेस पे भी इतनी इंजरी करी है कि उससे सांस नहीं ली जा रही, और ऑन द सेम टाइम उनकी मम्मा को भी उन्होंने मतलब इधर उधर धक्का वगैरह दिया, मारा कि नहीं मारा ये तो नहीं पता, पर हाँ वो कह रही है कि धक्का दिया है और बहुत ज्यादा इंजरी हुई है यार भाई को। मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि पारस भाई को फुल सपोर्ट करो यार, इन फ्यूचर ये किसी के साथ भी हो सकता है, आप लोगों के साथ हो सकता है, हमारे साथ हो सकता है, तो ऐसे लोगों को जल्दी से जल्दी सजा मिले बहुत ज्यादा जरूरी है। और अच्छी बात यह है कि सुपर खालसा करके एक यूट्यूबर है जो कि पारस के फुल सपोर्ट में इसी टाइम पे खड़े हुए हैं, और वो मायने नहीं रखता, उन्होंने पास्ट में जितना मर्जी क्रिंज फैलाया हो। अभी एक क्लिप देखने के बाद भाई तुम मेरे को हेट मत देना कि वो उसकी सपोर्ट में खड़ा है कि तू कौन होता है बोलने वाला। देखो क्रिंज क्रिंज है, रोस्टर रोस्टर है, जहाँ क्रिंज मिलेगा रोस्टर उसको रोस्ट करेगा, पर खालसा भाई फुल सपोर्ट, लव यू यार, आप उसकी सपोर्ट में खड़े हो भाई की। तो चलो भाई सारे भाई एक दूसरे को ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, मुनावर भाई के फैंस दोबारा बोल रहा हूँ चैनल को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, जो मर्जी कर दो, तुम्हारे मन में आ रहा है कर दो यार, और पीस आउट।